Hello everyone, welcome to Avivsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 10 subject English unit 1 reading C, a great moment for all those children. In the last video lecture, we discussed what determiners are and how many types of determiners. And in this video lecture, we will see some important determiners like few, some and little. So let's see. Few का मतलब होता है कुछ, सम का भी मतलब होता है कुछ, एंड लिटिल का मतलब भी होता है कुछ. फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अ फ्यू का यूज़ भी काउंटेबल नाउन के साथ, एंड द फ्यू का यूज़ भी काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के साथ करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं. सम का यूज़ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं, यानी गणनीय संज्ञा एंड अगणनीय संज्ञा, यानी हम जिसे गिन सकते हैं उसके साथ भी और जिसे हम नहीं गिन सकते उसके साथ भी सम का यूज़ किया जाता है. लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अ लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एंड द लिटिल का यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है. सो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, वैसे ही लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में क्या अंतर है? फ्यू का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं या नेगेटिव आइडिया के लिए, अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस या फिर पॉजिटिव आइडिया के लिए, जबकि द फ्यू का यूज़ हम जितना है उतने को एक साथ इंडिकेट करने के लिए करते हैं. वैसे ही लिटिल का यूज़ नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव आइडिया के लिए, अ लिटिल का यूज़ पॉजिटिव सेंस में या पॉजिटिव आइडिया के लिए, वैसे ही द लिटिल का यूज़ जितना है उतने को एक साथ इंडिकेट करने के लिए करते हैं. सो इस तरह से हम देखेंगे कि सम कैन बी यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड फ्यू कैन बी यूज्ड विथ अ काउंटेबल नाउन, एंड लिटिल कैन बी यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन. सो सम का यूज़ हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, जबकि फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, यानी कक्षा में कुछ लड़के हैं. बॉयज़ को हम गिन सकते हैं, वन बॉय, टू बॉयज़, थ्री बॉयज़. सो यहाँ पे हमने अ फ्यू का यूज़ किया है. वैसे देयर इज़ लिटिल वाटर इन द कप. वाटर, पानी को हम नहीं गिन सकते, कप में कुछ पानी है यानी कि वाटर है, तो वाटर को हम नहीं गिन सकते इसलिए यहाँ पे हमने लिटिल का यूज़ किया है. नेक्स्ट है देयर आर सम बॉयज़ इन द क्लास. सम बॉयज़ यानी कक्षा में कुछ लड़के हैं, यानी कि बॉयज़ को हम गिन सकते हैं इसलिए यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया. वैसे ही देयर इज़ सम मिल्क इन द कप, यानी कि यहाँ पे कप में कुछ दूध है, मिल्क को हम नहीं गिन सकते, यहाँ पे सम का यूज़ हुआ है. सो इस तरह से हमने देखा कि अ फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एंड सम का यूज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं. सो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं. आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, आई एम गोइंग टू द सिनेमा. यहाँ पे है अ लिटिल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरे पास कुछ धन है, कुछ पैसे हैं. आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूँ, यानी मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो धन है वो पर्याप्त है इसलिए मैं सिनेमा जा रहा हूँ. सो यहाँ पे सम या इनफ के सेंस में आया है, पर्याप्त है. नेक्स्ट है आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स वी मीट एवरी डे. अ फ्यू यानी मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और हम हर दिन मिलते हैं. सो यहाँ पे भी पर्याप्त है, यानी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो क्या है, इनफ है, पर्याप्त है, इसलिए मैंने यहाँ पे अ फ्यू लगाया. नेक्स्ट है आई हैव गॉट लिटिल मनी, लिटिल मनी. आई नीड टू बोरो सम, मुझे उधार लेने की ज़रूरत है. मेरे पास मनी है, धन है, मुझे उधार लेने की ज़रूरत है, यानी नेगेटिव सेंस या नेगेटिव आइडिया में है, यहाँ पे कमी है इसलिए यहाँ पे हमने लिटिल का यूज़ किया है. सो यहाँ पे नॉट इनफ या हार्डली है इसलिए. नेक्स्ट है आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त है. आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स यानी मुझे कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है. सो इस तरह से हमने देखा कि अ लिटिल या फिर अ फ्यू का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जबकि लिटिल या फिर फ्यू का यूज़ हम
नेगेटिव सेंस में करते हैं. सो लेट सी सम अदर. अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस और उन सेंटेंसेस में देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड डिटर्मिनर्स हो सकते हैं. जैसे क्लोज द डोर प्लीज, यहाँ पे द डिटर्मिनर्स है. आई हैव गॉट अ फ्रेंड इन कनाडा, यहाँ पे अ एक आर्टिकल है जो कि एक डिटर्मिनर है. दिस इज माई हाउस, किसका घर, मेरा घर. तो ये जो माई है वो डिटर्मिनर है. लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यहाँ पे लिटिल थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा लिटिल ये होगा. देयर बस इज लेट, किसकी बस, देयर उनकी बस, इसलिए ये डिटर्मिनर होगा. इसमें हैव यू सीन माई कीज, यहाँ पे माई डिटर्मिनर होगा. देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे, अ फ्यू, यहाँ पे वैसे ही. हैव यू गॉट एनी बुक फॉर मी, यहाँ पे एनी ये डिटर्मिनर है. सो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड डिटर्मिनर हो सकता है. सो नाउ लेट सी सम क्वेश्चन. क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं और इनका यूज करके ब्लैंक को फिल करना है. सो क्वेश्चन है seed blank, seed was no bigger than blank nail on Deepa's little finger, it was as hard as blank nutshell, यहाँ पे आ जाएगा a seed was no bigger than, यहाँ पे जैसे हमने than यूज़ किया यहाँ पे bigger than, तो यहाँ पे आ जाएगा the, क्योंकि यहाँ पे हम than का यूज़ किए हैं, means यहाँ पे इफेक्ट डालने के लिए. the nail on Deepa's little finger, it was as hard as, यहाँ पे आ जाएगा अ, एज अ नट सेल. नेक्स्ट है आई विल प्लांट इट एंड ब्लैंक फ्लावर विल ग्रो फ्रॉम इट, दीपा सैड टू हर सेल्फ सी फेस्ड ब्लैंक फ्लावर पॉट एंड प्लांटेड ब्लैंक सीड, सी वॉज इट ब्लैंक डे. सो आई विल प्लांट इट एंड, यहाँ पे आ जाएगा अ, फ्लावर विल ग्रो फ्रॉम इट, दीपा सैड टू हर सेल्फ सी फेस्ड अ फ्लावर पॉट एंड प्लांटेड, यहाँ पे आ जाएगा द, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीड वर्ड है वो रिपीट हुआ है, इसलिए यदि कोई वर्ड रिपीट होता है तो हम उससे पहले द आर्टिकल यानी द डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है सी वॉज इट, यहाँ पे आ जाएगा एवरी डे, सो एवरी डे. नेक्स्ट है ब्लैंक डे blank shoot sprang up blank plant was no bigger than blank little finger no one knew what it was. So यहाँ पे फिर आ जाएगा every, every day blank है, यहाँ पे आ जाएगा a little shoot sprang up, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा the, क्योंकि जो प्लांट वर्ड है वो भी रिपीट हुआ है. द प्लांट वॉज नो बिगर देन, फिर देन आया तो यहाँ पे आ जाएगा द, देन द लिटिल फिंगर नो वन न्यू व्हाट इट वॉज. सो नेक्स्ट है वी विल हैव टू वेट अंटिल इट फ्लावर्स सैड दीपा'स मदर ब्लैंक प्लांट ग्रीव एंड ग्रीव इट ग्रीव वेरी टॉल, वी विल वी ऑल हैव टू वेट अंटिल इट फ्लावर्स, यहाँ पे आ जाएगा मदर द प्लांट ग्रू एंड ग्रू इट ग्रू वेरी टॉल. नेक्स्ट है वी विल हैव टू मेजर आवर सेल्व्स टू सी हु इज बिगर सैड दीपा टू ब्लैंक बेबी ट्री एज सी शेट ऑफ फॉर स्कूल फॉर ब्लैंक टाइम. सो सैड दीपा टू अ, इसलिए आ जाएगा अ बेबी ट्री एज सी सेट ऑफ फॉर स्कूल फॉर, यहाँ पे आ जाएगा एवरी टाइम, एवरी टाइम. नेक्स्ट है बाई समर ब्लैंक ट्री हैड ग्रोन मच टॉलर देन हर इट ऑलमोस्ट फिल्ड ब्लैंक सिटिंग रूम, बाई समर, यहाँ पे आ जाएगा द ट्री, क्योंकि ट्री जो वर्ड है वो भी रिपीट हुआ है. सो यहाँ पे आ जाएगा इट ऑलमोस्ट फिल्ड, यहाँ पे आ जाएगा हर, हर सिटिंग रूम. नेक्स्ट है आई वॉन्डर वॉट काइंड ऑफ ब्लैंक मॉन्स्टर इट इज सैड मदर सो सी बारोड ब्लैंक बुक ऑन प्लांट्स बरीड
blank knows in it and finally called out, here we are, it is blank. Samuel also called silk, cotton, blank, enormous tree, it will bring blank whole house down. So yahan pe aa jayega, I wonder what kind of a monster, said mother. So she borrowed, yahan pe aa jayega one book on plants, buried, यहाँ पे आ जाएगा her nose, in it and finally called out, here we are, it is, यहाँ पे आ जाएगा the. Samuel also called silk, cotton, यहाँ पे आ जाएगा an, enormous tree, it will bring, यहाँ पे आ जाएगा the, क्योंकि the whole, पूरे को बताया जाए, the whole house down. Next है, father dashed off to blank, said to get blank axe, no, shrieked Deepa, if you chop its top off, it will die. Father, dear, please. So, यहाँ पे आ जाएगा, father dashed off to the, said to get, यहाँ पे आ जाएगा, an axe. No, shrieked Deepa, if you chop its top off, it will die. Father, dear, please. So, इस तरह से हमने determiners का use करके blank को fill किया. I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.